भारत के कई महान प्रधानमंत्रियों का जन्मदिवस किसी न किसी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों के बहुत प्रिय चाचा नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में, अदम्य साहसी इंदिरा जी का जन्मदिन कौमी एकता दिवस के रूप में, राजीव जी का जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में, स्वर्गीय अटल जी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। तो आज जब आंख खुली सवेरे और तमाम अखबारों पर के कवर पेज पर बड़े बड़े विज्ञापन में मोदी जी का हंसता मुस्कुराता चेहरा देखा, तो ये ख्याल आया कि उनका जन्मदिन किस उपलब्धि के रूप में मनाया जाना चाहिए। जब उनकी उपलब्धियों पर लेकिन नजर डालिए पिछले 7 साल से कुछ ऊपर में, तो कुछ नजारे नजर के सामने आते हैं। उसमें से सबसे पहला नजारा सामने आता है भारत के होनहार युवा दर बदर की ठोकरें खाते हुए रोजगार की तलाश में। शोषित किसान जिनका सिर फूटा हुआ है और जिनके सीने पे भगत सिंह लगे हैं वो नजर आते हैं, बंद उद्योग कारखानों पे ताले लगे हुए नजर आते हैं, ऑक्सीजन के बिना जो तड़प तड़प के लोग बेदम हो गए इस देश में उनकी असहाय चीखें नजर आती हैं, मंदी के दौरान महंगाई से जूझती हुई जनता नजर आती है, गैस चूल्हा छोड़कर पुनः चूल्हा फूंकती हुई महिलाएं नजर आती हैं, एक बहुत बड़ा बोर्ड नजर आता है इंडिया ऑन सेल का, बड़े बड़े सरकारी उपक्रम और उद्योगों का, भाजपा की फ्रंटल बनी हुई ईडी सीबीआई आईटी नजर आती है, आपने अपने पूंजीपति मित्रों के 11 लाख करोड़ रुपए माफ किए, लेकिन आपने किसानों का कर माफ नहीं किया, आपने शिक्षा ऋण माफ नहीं किए, आपने लघु मध्यम उद्योगों का ऋण माफ नहीं किया। 70 साल की कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और जनता से पैसे से बने उपक्रमों को कौड़ियों के दाम बेचना, और वो भी अपने कुछ चंद प्रिय पूंजीपति मित्रों की वजह से, आज पूंजीपति दिवस मनाना भी उपयुक्त रहेगा और मनाया जा रहा है। कोरोना कुप्रबंधन दिवस क्यों 17 सितंबर को यह मनाना जाना चाहिए? मोदी जी, आपकी उदासीनता, आपकी विफलता से देश में त्राही माम मचा। इस देश में दवाइयों की किल्लत हुई, इस देश में वैक्सीन की किल्लत हुई। आपने फोटो तो खूब खिंचाई, लेकिन वैक्सीन का ऑर्डर भी आपने लेट दिया और कम वैक्सीन भी दी, और उसी लिए 18 करोड़ 70 लाख लोगों को ही अभी डबल डोज लग पाई है, जो हमारी जनसंख्या का मात्र 13% है। जून में 93 देशों ने हमसे ज्यादा प्रतिशत में अपने जनसंख्या को डबल डोज लगाया था। 93 देश हमसे आगे थे जून में। सितंबर में कल तक 113 देश हमसे आगे हो चुके हैं। हम क्यों पिछड़ रहे हैं? क्योंकि आपको दीदी और दीदी करना था, आपने ना वैक्सीन की सोची ना ऑक्सीजन की सोची, और लोग तड़प तड़प के मरे। और कल इस मंच से जो बात हुई है वो पाप है। आपने आईसीएमआर के साथ जो आंकड़े थे उसके साथ छेड़खानी हुई, जिससे आपकी इमेज, आपकी सुविधा के लिए, इसका जवाब कौन देगा? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 4,43,000 जो आधिकारिक मौतें, उससे कई गुना ज्यादा मौतें हुई हैं, और इसीलिए कोरोना कुप्रबंधन दिवस भी आज लोग मना रहे हैं। और अंत में मोदी जी, जिस लोकतंत्र को सुरक्षित रखने की आपने शपथ ली थी, उसी को आपने तार तार कर दिया। आज एनसीआरबी का जो आंकड़ा 2 दिन पहले आया है, वो ये बताता है कि सांप्रदायिक दंगे पिछले साल 96% बढ़े। लेकिन सच तो यह है कि यह हादसा प्रधानमंत्री आवास से महज 24 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। 9 साल की एक दलित बच्ची के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, 8 दिन बाद प्रधानमंत्री महोदय ने उस पर एक शब्द नहीं बोला है। गृह मंत्री अमित शाह, जिनके अधीन दिल्ली पुलिस है, उन्होंने इस पर एक शब्द नहीं बोला है। शब्द बोलना तो दूर, सहानुभूति तक वक्तव्य का वक्तव्य नहीं दिया गया है। आंसू पूछना भी दूर की बात है, क्योंकि ना न्याय का आश्वासन दिया गया है, ना परिवार की टोह ली गई है।
पर सच तो यह है कि जब राहुल गांधी उस परिवार के साथ खड़े हो जाते हैं तो न्याय तो आपको देना ही पड़ेगा मोदी जी, उससे आप बचकर जा नहीं पाइएगा। पर हां, एक प्रधानमंत्री होने के कारण आपकी चुप्पी निंदनीय है। ये जो सुई पटक सन्नाटा नई दिल्ली में आपकी सरकार ने रखा हुआ है, वो चीख चीख कर आपसे पूछ रही है कि आप चुप क्यों हैं। आपके खोखले नारों की धज्जियां आपकी चुप्पी उड़ा रही है। आज देश की बेटी के साथ एक बार फिर दुष्कर्म हुआ है, देश की राजधानी में एक फिर निर्भया आई है, और ये देश आपकी चुप्पी से परेशान है, आपकी चुप्पी से व्यथित है। आज समय था कि आप मिलते विपक्ष के साथ, आज समय था आपसी मतभेद बुलाकर न्याय की दलील देते, न्याय की बात करते, इन दरिंदों को एक मैसेज देते कि हमारी बेटियों के साथ ये नहीं हो सकता है और निर्भया इस देश में नहीं बच सकती हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपकी तुच्छ राजनीति फिर भी बाज नहीं आई। अपनी पालतू दमनकारी पुलिस से आपने ट्विटर को डराया, धमकाया और राहुल जी की एक ट्वीट को डिलीट कराया, उनके अकाउंट को ब्लॉक कराया। पर यह आपकी निडरता नहीं, यह आपकी कायरता दिखाता है कि आप कैसे एक संवेदनशील व्यक्ति से, कि आप कैसे उस व्यक्ति से जो हौसला रखता है आंसू पोंछने का डरते हैं, क्योंकि यह करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। और यह मुद्दा सिर्फ राहुल गांधी जी के ट्विटर अकाउंट के साथ खिलवाड़ का नहीं है, यह मुद्दा आपकी चुप्पी का है, एक दलित गरीब बेटी के दमन का है।